हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं आपके लिए लॉरियल पेरिस के सीरम की जानकारी लेकर आई हूँ। और इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम इसकी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियल हेयर सीरम हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी मदद से घुंघराले बालों को सीधा कर सकते हैं, साथ ही इससे बालों को भरपूर चमक मिलती है और पोषण भी मिलता है, और सूर्य की किरणों का बालों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यह हेयर सीरम बालों को लंबे समय के लिए सीधे रखने या टिकाने के काम आता है, और यह बालों में चमक और लस्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालों में नमी और मॉइस्चर बना रहता है, और अगर कभी बालों में शैम्पू या कंडीशनर का समय नहीं मिल पाता है तो आप सीरम का इस्तेमाल करके बालों में शाइन ला सकती हैं। और रूखे सूखे और ख़राब दिखने वाले बालों के लिए हेयर सीरम एक जादुई छड़ी के समान है। इसको हल्का सा लगाने के बाद बाल स्मूथ और सिल्की लगते हैं। हेयर सीरम में सिलिकॉन होता है, जो बालों में समाकर उन्हें चमकीला दिखाने में मदद करता है। साथ ही इसे लगाने से सूरज की किरणें, प्रदूषण और वातावरण की नमी आपके बालों पर कोई बुरा असर नहीं डाल पाती है। यह हेयर सीरम को लगाने से ऐसा लगेगा कि आपके बाल सुलझे हुए और स्वस्थ हैं, और बालों की लंबाई के अनुसार कवर करके इसको लगाना चाहिए। इसे जड़ में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बाल ऑयली हो जाते हैं। और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे थोड़े गीले बालों में ही लगाना चाहिए। इसे तेल की जगह पर आप हेयर सीरम का प्रयोग करके बालों को सुंदर बना सकती हैं, और इससे बाल चिपचिपे नहीं होते हैं, और साथ ही लंबे बालों को अच्छे से आप इसे लगाने से संभाल भी सकती हैं। बालों को धोने से पहले और बाद में, या फिर हेयर स्टाइल बनाने के बाद भी आजकल इसका इस्तेमाल होता है। इससे बालों में शाइन आती है और आपका स्टाइल देर तक टिका रहता है। शैम्पू करने के बाद कई लोगों के बाल भारी और उड़े उड़े लगते हैं, ऐसे लोगों को हेयर वॉश के बाद हेयर सीरम लगाना चाहिए। इससे बाल सॉफ्ट और स्मूथ और प्लेन लगते हैं। तो इस तरह से आप लॉरियल पेरिस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम इसके आते हैं, तो आप इसके इस्तेमाल करके इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं और अपने बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।